to get latest notification. Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इमली की चटनी की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इमली की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इमली। यहाँ पे हमने ले ली है इमली 200 ग्राम, और ये है हमारी मिर्ची स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया जो कि हमने ले लिया है 2 बड़े स्पून, ये है हमारा गुड़, ये है नमक, और ये है हमारा जीरा। हमने यहाँ पे ले ली है धनिया और हम इसे दरदरा कूट लेते हैं, और ये है हमारा जीरा और हम इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने बना लिया है जीरे का पाउडर। कर लिया है धनिया को ग्राइंड, हमने इसे ऐसे दरदरा पीस लिया है। आटा गुड़ हमने इसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। ये हमारी इमली बिल्कुल हो चुकी है रेडी, और हम इसका अच्छे से पल्प निकाल लेते हैं। ये हमने भिगा लिया था इमली को 15 मिनट के लिए। अब हम इसे अच्छे से छान लेते हैं ताकि इसके अंदर के जो भी रेशे हैं वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पे हमने निकाल लिया है इमली का पल्प, और हमने इसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा पानी। ये हमने कर लिया है स्टोव ऑन, और हमने इसमें ऐड कर लिया है हमारा इमली का पल्प जो कि हमने लिया था, और हम इसे छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। ये आ चुका है हमारी इमली में अच्छे से उबाल, और हम इसमें ऐड कर लेते हैं गुड़ जो कि हमने कर लिया था पहले से छोटे छोटे पीसेस। थोड़ी सी हल्दी, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए, और हमारे जो गुड़ है वो भी अच्छे से गल जाए। ये हमारी इमली की चटनी बनके हो चुकी है रेडी, और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छे से हो चुकी है। आप भी इसे तब तक बॉईल कीजिए जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, और हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक बाउल में सर्व करने के लिए। ये हमारी इमली की चटनी बनके हो चुकी है रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब